छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार सरकार के निर्देश के क्रम में विभिन्न विभाग कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा राप्ती नदी में यात्रियों व श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए शिकारा का शुभारंभ किया गया है। इस शिकारा के माध्यम से लोगों को कश्मीर और अन्य पर्यटन स्थलों जैसा ही लुत्फ उठा सकेंगे। यही तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। सब पूछिए, जब बीच में बिजनेस, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सब बंद हो गए, तब इंग्लैंड को पीछे छोड़ के आ जाऊं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, एग्रीमेंट हुआ है, आज से हम लोग यहाँ पर एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसका एग्रीमेंट हो गया है, हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करने जा रहे हैं। अभी उसी के तहत हमारे पास दो स्टीमर आ चुकी है, अन्य जो स्टीमर आने वाले हैं, इसके अलावा अन्य जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, जंपिंग जैक है, छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए जो अलग उनके जो खिलौने हैं, अन्य जो टॉयज हैं, वो सब भी यहाँ लगाए जा रहे हैं, फूड कोर्ट बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा ये घाट है, आप इसको खुद देखेंगे कि ये पूरे जैसे रामगढ़ ताल डेवलप हुआ है।